जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं और जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये चीज हमें ये बताती है कि हमें जीवन जीने की कला नहीं आती। कला किसे कहा जाता है? कला माना विपरीत परिस्थितियों में भी स्टेबल रहना, बैलेंस माइंड का रहना। जैसे वो देखते हैं ना कि जब हम सर्कस में जाते हैं, बारीक से बारीक तार के ऊपर भी, रस्सी के ऊपर भी, कैसे वो जो गर्ल होती है अपना बैलेंस बना करके चलती है। तो ऐसे ही छोटी बड़ी अनेक तरह की बातें हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ये चीज हमें राजयोग सिखाता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देती हूँ कि आपके पास एक बिजली का बहुत अच्छा मोटा महंगे वाला तार है और आपने उसको अपनी घर की छत पे बांधा हुआ है, जिसके ऊपर आप डेली कपड़े सुखाते हैं। अब मैं इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती आपको कि कोई भी सिंपल रस्सी बांध सकते हो, कोई भी तार बांध सकते हो, इतनी महंगी ये तार बांध के कपड़ा सुखाना, ये कोई इसका प्रयोग नहीं है, उचित प्रयोग नहीं है। इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, आपका तार है, आप इसको जैसे मर्जी यूज करें, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये इस तार का उचित प्रयोग है? नहीं है ना? इतनी अच्छी मोटी महंगी बिजली की तार पे हम कपड़े सुखाएं, ये इस तार का उचित प्रयोग नहीं है। इसी तरह जीवन आपका है, आप इसको टेंशन में बिताएं, खुशी में बिताएं, रो रो के बिताएं, डिस्टर्ब होकर के बिताएं, मैं इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, लेकिन जो हम कहते हैं मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मानव चोला अनमोल चोला है, ये चोला पाके, ये इस चोले का या परमात्मा की जो देन है, कहते हैं ना कि ये लाइफ भगवान का एक गिफ्ट है हमारे लिए, ये इसका प्रॉपर यूज नहीं है। तो क्या ऐसा हम करें जो हम अपने इस जीवन को श्रेष्ठ तरीके से जी पाए, जो हमें ये ना लगे कि हम अपने जीवन को एक बोझ के रूप में जी रहे हैं। जीवन जीना हमारे लिए एक कला बन जाए, है ना? कुछ भी होता रहे लेकिन हमारा मन डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए हम क्या अपने माइंड को ट्रेनिंग दें, क्या ऐसी प्रैक्टिस कराएं, ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो मेडिटेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या और मेडिटेशन का हमारे जीवन में रोल क्या है। मेडिटेशन वो कला है जो हमें हमारे मन को स्टेबल रखना सिखाती है। छोटी छोटी बातों में हम देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो एक बैलेंस हमारी लाइफ में आ जाता है। बहुत बार नए लोग आते हैं, मैं पूछती हूँ कि आपका मेडिटेशन सीखने का पर्पस क्या है? पीछे भी एक परिवार आया, हस्बैंड वाइफ दोनों ही कोर्स करने के लिए आए, तो मैंने पूछा उनसे कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस से यहाँ पे आए हैं? तो उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल भी घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है और परिवार में भी मम्मी पापा भाई बड़ा खींचातान है ना, बात बात पे टोटेंगे, जो परिवार में एक माहौल होता है ये सब कुछ चलता रहता है, वो तीनों चीजें ही डिस्टर्ब है, हेल्थ भी, वेल्थ भी और फैमिली भी, रिलेशन भी, तो नेचुरल है ना कहीं स्ट्रेस खींचातान तो आएगी आएगी। तो मैं उनको हंसने लगी, आप क्या समझते हो कि आप यहाँ आएंगे मेडिटेशन सीखेंगे आपकी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? कहते आए तो हम इसी आज से हैं कि हमारी तीनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता कि आप मेडिटेशन सीखेंगे, क्योंकि मेडिटेशन आप सीख रहे हैं, इससे आपकी वेल्थ का या इसके आपके जो बाकी फैमिली मेंबर हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, वो नहीं सीख रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसका उसके साथ कोई कनेक्शन है। आप मेडिटेशन सीखेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। जैसे ही मैंने उनको ये बात की, थोड़े से
ना उनका चेहरा मायूस सा हो गया कि तो बड़ी आश लेकर के आए थे और बहन जी ने एकदम से कह दिया कि आप मेडिटेशन सीखेंगे, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो नेक्स्ट लाइन मैंने उनको कही, मैं गारंटी नहीं करती कि आप मेडिटेशन सीखेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, बट मैं ये गारंटी करती हूँ कि आप मेडिटेशन सीखेंगे, आप कंटिन्यू आएंगे तो आप जो डिस्टर्ब होते हैं वो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि लोग मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है। परिस्थिति माना ही क्या, पराई चीज जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल ही नहीं है। अगर मेरा कंट्रोल होता तो मैं उसको आने ही ना देती, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट लोगों को देख करके, सिचुएशन को देख करके जो थॉट क्रिएट करता है वो कौन है, वो मेरा माइंड है। उसने ये कहा, उसकी बात को मैंने कैसे लेना है, वो बोल करता है, वो मेरा मन करता है ना। लोग तो आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे, अभी यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उससे एक पुल बना रहे हैं या आप उससे एक दीवार बना रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। जो हम अक्सर कहते हैं कि राजयोग से हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने ख्यालात बदल सकते हैं, और ख्यालात बदलने से ही हमारी दुनिया बदल जाती है। तो ये चीज हमारे हाथ में है। हमने आज दिन तक क्या फोकस किया, हम परिस्थिति को बदल कर रहेंगे, हम व्यक्ति को बदल कर रहेंगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन हमने ये फोकस कर लिया कि हम अपने आप को बदल कर रहेंगे, कोई कुछ भी कहे मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, और लोगों के बदलने का कोई मायना नहीं है। एक इंसान है जिसमें 10 कमियां हैं, लेकिन आपको उसकी 9 कमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसकी एक कमी आपको डिस्टर्ब करती है, 9 से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो व्यक्ति मेडिटेशन सीखना शुरू करता है, मेडिटेशन सीख के उसके अंदर चेंज आता है और वो अपनी 9 कमियों को दूर कर लेता है। अब लोग कहते हैं कि कितना चेंज आ गया इसके, ये तो बहुत बदल गया, दिन रात का अंतर आ गया। नो डाउट उसमें बड़ा चेंज आया है, उसने अपनी 10 में से 9 कमियों को भर लिया है, एक कमी रह गई। लेकिन आप कहते हैं रत्ती भर नहीं बदला, क्यों? क्योंकि वो कमी नहीं भरी है जिसका कनेक्शन आपके साथ है। अब रियल में वो इंसान चेंज हो चुका है, लेकिन आपकी नजर में वो बिल्कुल चेंज नहीं है, क्योंकि आप उसकी जिस बात से पहले डिस्टर्ब हो रहे थे वो चीज तो आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सच्चाई है कि वो 90% चेंज हो चुके हैं। अब 90% चेंज हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज आप अपने आप को 90% चेंज करें, बड़ा जोर लगता है उसमें। लेकिन उस इंसान ने अपने आप को 90% चेंज किया है और हम क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं, रत्ती भर चेंज नहीं है, वैसे का वैसे है ना। तो हम अपने आप को चेंज करने का प्रोग्राम दूसरों के चेंज के अनुसार बनाए हुए हैं। अगर इस उम्मीद में हम रहेंगे तो हम कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे और अपना जीवन जो है कभी भी सुख शांति वाला नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए एक चीज हम अपने अंदर पक्का कर ले कि चेंज करना है तो अपने आप को करना है। मेरे हाथ में अगर कोई है तो वो सिर्फ मैं हूँ, दूसरे मेरे हाथ में नहीं है। और ये राजयोग हमें सिखाता है। राजयोग, राज माना क्या, रहस्य, कई मिस्ट्री हमारी लाइफ के लिए हमारे आगे खोलता है। कितने, जब हमने राजयोग करना शुरू किया उससे पहले हमने जो थ्योरेटिकल ज्ञान लिया, जो कोर्स हम कहते हैं, कितने राज खुले। भले पहले भी हमें पता था हम आत्मा हैं, तभी तो शरीर चल रहा है, बट वो आत्मा क्या है, कैसी है, उसका परमात्मा से क्या कनेक्शन है, कितनी पावर है उसके अंदर, ये डिटेल हमें पता था। परमात्मा कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, उसके साथ मेरा कितना सुंदर संबंध है, कोई सृष्टि में आकर के क्या करता है, क्या मुझे ये राज पता था। परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं है, मुझे ये राज पता था। सृष्टि का चक्कर कितने समय का है, कब ये चेंज होता है, हम मनुष्य आत्माएं कितने जन्म लेती है, कि कितने सारे रहस्य थे जिससे हम अनजान थे। लेकिन जैसे ही हमने ये राजयोग की यात्रा शुरू की तो इस यात्रा में ये सारे राज मेरे आगे खुले।
तो ये कई राज होता है। और दूसरा इसको राज योग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा योग है जो हमें राजा बनाता है। फर्स्ट डे आपको एम बताया गया होगा कि मेडिटेशन का, स्पिरिचुअल स्टडी का हमारा एम क्या है। इसका एम है हमारा लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनना, अर्थात भविष्य में विश्व महाराज विश्व महारानी राजा रानी बनना, ये हमारा फ्यूचर है। लेकिन फ्यूचर से पहले वर्तमान में प्रेजेंट में जो है वो जो हमने राजा बनना है वो हमने अपना राजा बनना है, दूसरों पे गौर नहीं करना। वो तो हम कोशिश कर रहे हैं ये मेरे अनुसार चले ये मेरे अनुसार चले, यही तो प्रॉब्लम चल रही है। घर में बच्चे कहेंगे पेरेंट मेरे अनुसार चले, पेरेंट कहेंगे बच्चे हमारे अनुसार चले, सास कहेगी बहू मेरे अनुसार चले, बहू कहेगी ये तो पुराने जमाने के हैं, आजकल का मॉडर्न जमाना है, मम्मी मेरे अनुसार चले। अब प्रश्न ये उठता है कर्म किसके अनुसार चले। कई बार मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, आप सबसे भी प्रश्न पूछते कि वर्तमान समय जो भी समाज के हालात चल रहे हैं, क्या उन सब हालातों को देख करके आप सबको ये लगता है परिवर्तन होना चाहिए? जो जो चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए दुनिया में समाज में, वो हाथ उठाओ। सबने हाथ उठाए, सब करते हमें लग रहा है जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, जो भी माहौल है उसको देख करके हम सब ये कहेंगे कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन जो ये कहता है कि मुझे परिवर्तन होना है इन परिस्थितियों को चेंज करने के लिए, वो हाथ उठाओ। दुनिया को तो बदलना चाहिए, दुनिया बदले वो ठीक है, लेकिन मुझे बदलना चाहिए। या हम बड़ा सोच सोच के हाथ उठाते है ना, लेकिन सेल्फ ट्रांसफर हुए बिना वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। पहले सेल्फ को चेंज, क्योंकि ये दुनिया बनी किससे है? दुनिया की जो छोटी से छोटी इकाई है वो कौन है? वो हम है, एक व्यक्ति है। एक स्टोरी में कई बार सुनाती हूँ, एक बार एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा था, घर में उसने अपनी माँ को बड़ा तंग किया हुआ था, वो काम नहीं करने दे रही। तो वो सोचा उसकी माँ ने इसको कहाँ बिजी करूँ जो ये कोई घंटा एक बिजी हो जाए और मैं काम करूँ। उसने देखा उसके घर पे एक वर्ल्ड का मैप पड़ा है। उस माँ ने क्या किया, उस वर्ल्ड के मैप के टुकड़े किए और बच्चे को दे दिया और कहा कि इसको वापस सेट कर दे। जैसे बच्चे वो पजल गेम नहीं खेलते, उस टाइप में उसने उसको उस कागज के टुकड़े दे दिए और बच्चे को कहा कि इसको सेट कर। बच्चा 2 से 3 मिनट में उसको एज इट इज सेट करके बढ़िया अच्छी बोला आ गया। माँ देख के बड़ी हैरान की, ये तो मैं भी नहीं कर सकती। माँ ने पूछा कि ये तो तुमने ठीक किया, बट मुझे ये बता कि ये किया कैसे है। तो वो बच्चा कहता है, मम्मा इस वर्ल्ड के मैप के पीछे एक आदमी का फोटो था, मैंने पीछे से आदमी आ। बच्चे को ये तो पता है ना कि ऑर्गन कैसे हैं, हेड कहाँ पे आएगा, माउथ कहाँ पे आएगा, लेग्स कहाँ पे आएंगे। तो मैंने पीछे जो आदमी था इस मैप के पीछे उसको जोड़ दिया और आगे से वर्ल्ड का मैप जोड़ दिया। सेम चीज है, हम चाहते हैं दुनिया को बदलना, लेकिन दुनिया बदलेगी कब? जब हम बदल जाए। इसलिए परमात्मा ने जब वो इस धरा पर आया और जब हमारी ये यात्रा शुरू हुई मेडिटेशन की, जिसको हम अंतर जगत की यात्रा भी कहते हैं, तो हमें एक उद्देश्य दिया। क्या दिया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, जिसको हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, कथा कीर्तन के अंदर, सत्संग के अंदर, मन जीते जग जीत, कितनी बड़ी बात है। एक मन को जीत लेने से हम पूरे जगत को जीत सकते हैं, लेकिन उसका सीट क्या है? वो है हमारा मन। अब उस मन को कैसे जीतना है ये हमें राजयोग सिखाता है, और यही प्रैक्टिस है। क्योंकि कुछ भी है, सारे दिन में हम थॉट क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए, वो कौन करता है? वो हमारा मन करता है। आज हमने इस पर क्या ट्रेनिंग दी हुई है अपने मन को, ऑलमोस्ट नेगेटिव वेस्ट। और कई लोगों को नेगेटिव वेस्ट इतना नहीं होता, बट अननेसेसरी, जिसकी कोई मुझे जरूरत नहीं।
और मेरे सोचने से वह होने वाला नहीं, अननेसेसरी। जैसे हम फाटक पे गए, बंद है ये फाटक वाले भी, भाई उनका नियम है, वो तो बंद करेंगे, आप रोड क्रिएट किए जो आपने, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कभी हमने सोचे कि ये 10 मिनट मुझे रुकना तो है, इसकी बजाय कि मैं इसको गालियां निकालूं, रेलवे को पोस्टूं, मैं 10 मिनट भगवान को याद कर लूं, और कई बार किसी को फोन करना, मैसेज करना, कितने काम हमारे पेंडिंग होते हैं, मैं वो कर लूं, कितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम का। लेकिन हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम इधर उधर पोस्टना, इधर देखना उसने कैसे गाड़ी खड़ी की हुई है, वो कैसे कर रहे हैं, उसमें टाइम खराब कर देते हैं। तो ये सब जो चल रहा है क्या अननेसेसरी कहीं गए, ये सड़क ऐसी, ये लोग पैसे ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं, ये नहीं करता, ये जॉब क्रिएट, आपका ये मैसेज आपके सोचने से उन तक पहुंचने वाला नहीं है, वो ये काम करने वाले नहीं है, कैसे जा रही है, कैसे पहन, अरे उसकी लाइफ है, वो जो मर्जी पहने, जहां मर्जी जाए, आपके कहने से क्या आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई ब्लू पहने, रेड पहने, इसको इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है, उसकी लाइफ है ना, हम इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं, ये सब क्या है, अननेसेसरी वेस्ट इसमें आ जाता है, इसका कोई फायदा मुझे होने वाला नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ये थॉट क्रिएट कर रहा है, ये मेरा माइंड कर रहा है। मेडिटेशन हमें ट्रेनिंग देता है सही ट्रैक पे जाने की, पॉजिटिव दिशा में जाने की, क्योंकि हम अपने मन को कभी भी ये नहीं कहते कि तुम्हें सोचना क्या है, हम इसको कहते हैं ये नहीं सोचना। मैं आपको कहती हूं कि आप इस रूम में बैठे हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राइट साइड रेड फ्लावर वाला एक फ्लावर पॉट पड़ा है, आपने वो नहीं देखना, बाकी जो कुछ मर्जी। अब इसमें से मैं समझती हूँ 60-70% ऐसे लोग होंगे जिनका पहले ये ध्यान भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई फ्लावर पॉट पड़ा है, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि मेरे राइट साइड पे ये फ्लावर बोर्ड पड़ा है, आपने इसको नहीं देखना, बाकी जो कुछ मर्जी देखो, देख भी लिया होगा, और एक ये फ्लावर बोर्ड का बहन जी ने क्या बिगाड़ा है, इसको क्यों नहीं देखना, है ना, इसको देखने से क्या जादू हो जाएगा, क्या खराबी हो जाएगी, इसमें ऐसा क्या है, इसके लिए बहन जी क्यों मना कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड एक थॉट आ गया होगा, क्योंकि कमांड क्या दी गई, इसको नहीं देखना। जैसे एक छोटे बच्चे का नहीं होता, हम जो काम कहेंगे नहीं करना वो करेगा ही करेगा, हम बच्चों को कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, तो हजारों बार समझा दिया झूठ नहीं बोलना, फिर झूठ बोलता है, क्या मैंने बच्चे को ये समझाया सच बोलना। हम कई लोग टीचर्स होते हैं अक्सर क्लास में कहते हैं शोर नहीं करना, कितना कहा था तुमने शोर नहीं करना, फिर शोर किया, ये कहा चुपचाप बैठना है, शांति से बैठना है, कितना इसको समझाते हैं चिंता मत कर, फिर ये चिंता करती है, उसको आपने ये कहा रिलैक्स रहना। तो ये हमारा मन, जैसे बच्चे होते हैं ना, जो काम आप कहेंगे नहीं करना उसको वही करना है, हमारा मन क्या है, लाइक ए चाइल्ड, इसको आप जो कहेंगे ना नहीं करना, ये वो करेगा करेगा। बच्चे को कहो आप कि तुम बाहर के हम कोई बात कर रहे हैं, उसको इंटरेस्ट है, ऐसी क्या बात है जो ये मेरे सामने नहीं, वो आपकी तरफ अपनी तरफ से बाहर जाएगा, लेकिन उसके काम होंगे आपकी तरफ कि क्या बात ये कर रहे हैं, मुझे भी तो पता चले कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रहे हैं, या उसको कहेंगे तूने ये नहीं देखना, हम देखो क्यूरियोसिटी, हम नाम है कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इसमें जो मैं नहीं देख सकता बाकी सब देख सकते, तो ये हमारे मन की नेचर है। तो मेडिटेशन में हम अपने मन को कभी भी नेगेटिव कमांड्स नहीं देते, पॉजिटिव कमांड देते हैं कि मुझे क्या करना है, है ना। मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है अपने आप को इस शरीर से डिटैच करना, क्योंकि जब तक हम इस शरीर से डिटैच नहीं होते, है ना, हम उस बोर्ड से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे और उसके बीच में एक जो दीवार है, एक जो बंधन है, वो इस शरीर का है, वो अजन्मा है, अभोक्ता है, उसको शरीर नहीं है, क्लियर है ना सबको, कोर्स में ये चीज क्लियर हुई। और मैं चाह रही हूं कि मैं इस शरीर के सहित उसके पास जाऊं, कैसे जुड़ूंगी, कैसे मिलन होगा, कैसे शक्तियां आएगी, मिलन तो समानता वाले का होता है ना, वो देह रहित मैं देह सहित, तो कैसे वो समानता है,
तो पहले तो उसके समान मुझे बनना पड़ेगा। और आप देखो आज दिन तक हम गाते आए आरती में, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, वो किसका माता पिता जो हमने उसको कहा भगवान को तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, किसका है? शरीर के रामलाल श्यामलाल सबको मिले हुए हैं, वो मेरे शरीर का माता पिता नहीं है, वो मेरी आत्मा का माता पिता है। अब प्लान मैं बना रही हूँ कि मुझे मिलना है किससे, जो मेरी आत्मा का माता पिता है उससे मिलना है। तो आत्मा का माता पिता है उससे मिलना है तो आत्मा को समझना पड़ेगा ना, शरीर समझ के कैसे मिल सकते हो? तो फर्स्ट स्टेप अपने आप को इस शरीर से डिटैच कर। अब अपने आप को इस शरीर से कैसे डिटैच करेंगे, ये हम एक छोटी सी प्रैक्टिस अभी करेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ अपने आप को इस शरीर से डिटैच करना। तो सभी एक्टिव अलर्ट होकर के बैठ जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपको थॉट्स देती जाऊंगी आप उसको सुनते हुए अपने मन में दोहराते हुए एक विजन बनाते जाएंगे, ठीक है? दुनिया की सब बातों से अपने मन को कह दे अपने आप से, ये समय मुझे स्वयं ही स्वयं से मुलाकात कर दुनिया की कोई भी बात कोई भी व्यक्ति कोई भी परिस्थिति मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्योंकि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो भी ये दुनिया बहुत अच्छे से चल रही थी, और कल जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो भी ये दुनिया ना केवल दुनिया मेरा परिवार भी यूं ही चलता रहेगा, जब मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं तो मैं क्यों व्यर्थ में अपने मन और बुद्धि को फंसा कर इस तरह अपने मन से बात करती हूँ, पूछे अपने आप से मैं कौन, फिर से अपना नाम लेकर पूछी अपने आप से मैं कौन, क्या ये शरीर मुझे मेरी मां के द्वारा इसकी एक डेट ऑफ बर्थ है और निश्चित है एक डेट ऑफ डेथ भी है, फिर कौन हूं मैं, भीतर से आने वाली आवाज को सुन अपने अंदर मन की आवाज, मैं ये देह नहीं, इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा जैसे दीपक में बाती
सीन में बोलती हूँ ऐसे मैं आत्मा इस देह में इस भरकुटी में विराजमान मैं इस देह की मालिक अपना पूरा ध्यान दोनों नैनों के बीच में भरकुटी पर एकाग्र करती हूँ एक छोटा सा सितारा मैं आत्मा इस भरकुटी में चमक रही हूँ मैं चैतन्य सत्ता हूँ इस देह की मालिक इस देह को चलाने वाली मैं हूँ तो ये श्वास आ रही है जैसे ही ये आत्मा इस शरीर से निकलती है ये श्वासों का आना जाना बंद हो जाता है ये श्वासों की गति को चलाने वाली मैं आत्मा मैं हूं तो ये पलक झपकती है जैसे ही मैं इस देह से निकल जाती तो ये आंख खुली की खुली रह जाती इसमें इतनी ताकत नहीं कि ये अपने आप बंद हो कोई दूसरा तीसरा इसे बंद कर मैं हूं तो मेरे शरीर की ये कर्मेंद्रियां काम कर रही है मुख बोल रहा है कान सुन रहे हैं आंखें देख रही हैं हाथ पांव चल रहे हैं और जैसे ही मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हो जाती हूँ मेरा ये पूरा शरीर अकल जाता है बेजान हो जाता है इसमें कोई गतिविधि नहीं होती आंखें देख नहीं पाती मुख बोल नहीं पाती ये देह तो एक माटी है मुझ आत्मा के निकलते ही ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है घर के एक अलग कोने में मुझे सुला दिया जाता है और जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार कर मिट्टी मिट्टी में समा जाती है इस आत्मा के निकलने के बाद मुझे कोई भी अपनी समृद्धियों में नहीं रखना चाहता कोई भी अपने स्वप्न में नहीं देखना चाहता जो आज मुझे कहते हैं तुम मेरे प्रिय हो मेरे जीवन के टुकड़े हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता इस आत्मा के निकलने के बाद मेरी शक्ल देख वो भयभीत होते हैं तो आज स्वयं ही स्वयं के दर्शन करो कि मैं
ये विनाशी देव नहीं, इस देह को जलाने वाले अविनाशी सत्ता जो ना कभी जलती है ना कटती है ना मरती है। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। जब पता है कि जिस शरीर का मैंने आधार लिया है वो एक दिन छूटेगा, विनाशी चीज है, विनाश होगी, तो क्यों इस विनाशी तन का वो करना? ये छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। अब पूछिए अपने आप से, ऐ मेरे मन, तो इस छूटने वाले विनाशी चीज का श्रृंगार करेगा, इसको समय देगा, या जो अविनाशी अजर अमर है और जिसे परमात्मा के पास जाना है उसका श्रृंगार करेगा, अर्थात पूर्ण शक्ति देगा। ये फैसला आपका है। पूछे अपने आप से फिर से कि जो छूट जाएगा, जो नाश हो जाएगा, उसमें समय लगाना है, उसका ध्यान रखना है, या जो साथ जाने वाली है और जिसके आधार पर मेरा भविष्य का जन्म है, मुझे उस पर ध्यान देना हो जाएंगे इस चिंतन में। स्वयं ही स्वयं को उत्तर दे कि मुझे क्या तो इस तरह से जब हम बैठते हैं मेडिटेशन में तो हम ये एक फर्स्ट स्टेप करते हैं, अपने आप को इस शरीर से डिटैच करते हैं। और जब हम इस कॉन्शियस में आ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर की मालिक आत्मा हूं, तो फिर ऊपर की ओर उड़ान भरना अर्थात परमात्मा से मिलन बनाना हमारे लिए सहज हो जाता है। क्योंकि जब तक हम इस देह में फंसे हैं, देह में फंस के अगर हम ऊपर उड़ना चाहेंगे तो मेरी देह से नीचे जुड़े हुए हैं मेरे देह के संबंध, मेरी देह के पदार्थ, वो मुझे खींच लेंगे। और होता है अक्सर आप देखो हम मेडिटेशन में बैठे हैं अपने तरीके से, अभी तक जो भी कर रहे थे, ऑलमोस्ट लोगों का एक प्रश्न होता है जी अगर टाइम निकाल के बैठ भी जाएंगे तो वो बातें याद आती हैं जो कभी भी याद नहीं। क्योंकि जैसे ही हमारे मन को साइलेंस मिलेगी ना, ये पुरानी फाइलें खोले गए, क्योंकि हम देह से डिटैच ही नहीं। तो इससे पहले कि ये कोई फाइल खोले, इसको एक अच्छी वाली फाइल हम खुद ही खुलवा दें, तो अपने आप को इस शरीर से डिटैच करके, ये दो आंखों से नहीं देखना होता है मेडिटेशन, ये तीसरी आंख से देखना होता है। तो वो तीसरी आंख से फिर हम क्या देखते हैं,
अभी तक तो आरती में क्या करते हैं, अपने आप को नेगेटिव कमांड, जो मैंने आपको कहा ना, जो कभी भी नहीं है वो नेगेटिव कमांड देते हैं, मैं मूर्त कल का में मुझ बिल्कुल हारे में कोई गुण नहीं है ना, आप ही तरस करो, इस तरह की नेगेटिव नेगेटिव कमांड हम अपने आप को देते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, अपने आप को एक इस स्टेज पे ले आते हैं कि शरीर नहीं होता, एक आत्मा है, फिर हम अपने आप को कमांड देते हैं कि मैं आत्मा श्याम स्वरूप हूँ, स्वीकार कराते हैं अपने आप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, हम अपने आप को स्वीकार कराते हैं। अब जब मैं अपने आप को ये भूल बोल रही हूँ कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, उसका धीरे धीरे क्या इफेक्ट आता है, मैं शांत होने लगती हूँ, वो प्रेम का प्रवाह मेरे अंदर धीरे धीरे बहने लगता है। और उससे भी बड़ी स्टेज, ऊपर की स्टेज नेक्स्ट क्या है कि परमात्मा शांति का सागर है और मैं उसकी संतान हूँ, और शांति के सागर के संतान होने के नाते मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब ये वाली बात हम किसी को बताते हैं तो लोग कहते हैं ये एक कल्पना नहीं कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मेरे अंदर शांति आ रही है, मैं शांत होती जा रही हूँ, ये कल्पना नहीं, एक्चुअल में ये कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन हमें कल्पना क्यों लगा, क्योंकि बहुत समय से हम अपने आप को भूले हुए हैं, है ना। और उसमें भी बड़ी बात क्या है, एक तो बहुत समय से भूले हुए हैं और दूसरा एक फर्स्ट कमांड ही हमारा मन ये स्वीकार नहीं करता, ये नहीं कि आज आपने बोला मैं शांत स्वरूप हूँ और आप होंगे नहीं, क्योंकि इतने लंबे टाइम से हम अशांत हैं, तो एक ही उसमें कैसे हो जाएगा, इतने समय की विस्मृति है, आज के टाइम में भी आप देखो किसी की याददाश्त चली जाए और हमें उसको याद दिलाना, ये थोड़ी ना कि हमें एक ही बार प्यार से उसको कहते हैं देख ये तो भूल चुका है लेकिन मैं तेरे को सच्चाई बता रही हूँ, तू नाम है कि तेरा घर है, उठेगा हाँ नहीं, वो अपनी रूप में सवार है, फिर हम उसको दिखाएंगे देख ये तेरी अलमीरा, ये तेरे कपड़े, ये तेरा रूम, ये तेरी पुरानी फोटोएं, ये तेरे दोस्त, पता नहीं क्या 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 करते करते 6 महीने साल लंबा प्रोसेस चले गए, फिर वो कहेगा हाँ हाँ मैं राम हूँ, फिर उसका तो हम सोचे कि इतने मन से इतने टाइम से जो मेरा मन ये भूल चुका है कि मैं ये हूँ और हम उसको कहें नहीं हाँ मैं परमात्मा की संतान हूँ शांत स्वरूप हूँ और एक बार में ये काम हो जाएगा, नहीं ये रूटीन की प्रैक्टिस है जो मुझे करनी पड़ेगी। अब जबकि ये एक बार में स्वीकार नहीं करता, हमें बार बार कहना पड़ता है और कई बार तो ऐसे होता है जब तक कह रहे होते हैं तब तक फील कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद फिर वैसे के वैसे होते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद हम कल्पना कर रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि कल्पना में कभी भी सुख नहीं मिलता है। जैसे मैं आपको एक कल्पना कराती हूँ कि आप एक कल्पना करें कि आप सिरसा के सबसे ग्रेट पर्सनैलिटी है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, आपके घर इतना बड़ा है जस्ट लाइक ए बंगला और बहुत सारे नौकर चाकर हैं, आपके घर में बहुत गाड़ियां हैं, आप बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, सब सुख सुविधाएं हैं आपके घर में, आपको पानी देने के लिए भी है, हर काम करने के लिए भी है और आप एक राजा की तरह जी रहे हैं घर में, ऐसे खूब सारी मैं आपको कमांड दे करके आपका मन वो चित्र बनाए जा रहा है, स्वीकार किए जा रहा है और आप एक राजा की तरह एक ग्रेट पर्सनैलिटी की तरह अपने आप को देख रहे हैं और मैं 15 मिनट एक से एक अच्छे थॉट आपको इस टाइप के देती जा रही हूँ और वो एक रीजन आपका मन बनाता जा रहा है, आप उन ख्यालों में खोते जा रहे हैं खोते जा रहे हैं खोते जा रहे हैं और 15 मिनट के बाद ही कमेंट भी दे करके मैं कहती हूँ अब आ जाए अपनी वास्तविकता में, तुम तो ये हो और यहाँ बैठे हो, देखे अपने आप को, अब फीलिंग लो होगी या हाई होगी, लो होगी लोगों नेचुरल है क्योंकि अभी अभी तो कहाँ कहाँ इतने हवाई किले बनाए थे घूम के आए थे एकदम से अचानक की तुम तो ये वो है ना,
शहर के प्रोमिनेंट को छोड़ो, हो सकता है मेरे पड़ोसी ना जानता मुझे कौन हूँ क्या नहीं, तो एकदम से लो फीलिंग है। लेकिन जैसे ही हम आपको कमेंट नहीं कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, उसकी किरणें मुझ पर बरस रही हैं, आपको प्राप्ति कितनी हुई वो बाद की बात है, लेकिन एट प्रेजेंट फीलिंग क्या होती है जैसे ही कमेंट्री पूरी होती है, उसमें भी तो हम कहते हैं ना अब आपकी सबकी देह में आ जाए, देखिए मैं प्रकृति में बैठी हूँ, अपने शरीर के द्वारा काम कर रही हूँ, ये कहते हैं ना। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद फीलिंग क्या होती है, लो होती है या हाई होती है? हाई होती है, क्योंकि हम उस वास्तविकता से जो सच्चाई है हम उससे जुड़ने जा रहे हैं, ये कल्पना नहीं है। कल्पना हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से इस चीज से हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और फिर हमें ये कल्पना लग रही है, वास्तव में ये कल्पना नहीं है। मैथ में भी आप देखेंगे कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए पहले हमें सपोज करना पड़ता है, सपोज ए इज इक्वल टू दिस, और फिर फाइनली हम उसको प्रूव कर देते हैं। तो ये हमें कई बार लगता है कि हम अपने आप को आत्मा सपोज कर रहे हैं, सपोज नहीं कर रहे, ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं है तो बिना आत्मा के काम करके दिखाओ, शरीर को चला के दिखाओ, क्यों डेड बॉडी को ले जा करके चला देते हैं, दफना देते हैं, घर में रखना चाहिए ना, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे ऐसा है ना। तो ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो अपने आप को शरीर से डिटैच करना, फिर अपने आप को पॉजिटिव कमांड देना कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। ये नहीं है कि मैं निर्बल हूँ, हम निर्बल नहीं है, हम परमात्मा की संतान है, अपने आप को ये समृद्धि दिलाता है। और परमात्मा की संतान निर्बल कैसे हो सकती है, शेर का बच्चा कैसे होगा, शेर जैसा होगा ना, बिल्ली या कुत्ता तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जब मैं गाती हूँ, सदियों से गाती आ रही हूँ, तो मां पिता पालक तेरे, तो भगवान मेरा माता पिता है, जब वो सर्वशक्तिमान है तो मैं कमजोर कैसे हो सकती हूँ, नहीं, लेकिन मैं इसकी भूल चुकी हूँ, स्मृति हो चुकी है, वो समृद्धि मुझे वापिस अपने आप को लाने। तो बहुत सारी समृद्धियां मेडिटेशन हमारे जीवन में लाता है, और जब वो समृद्धियां हमारे जीवन में आ जाती हैं तो कोई भी समृद्धि है वो हमें समर्थ बनाती है, अर्थात हमारे अंदर बल। तो एक टाइम ऐसे आता है जब हम बार बार अपने आप को ये कमांड देते जाते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन वो शांति हमारे जीवन में आ रही है, हमारा मनोबल बढ़ता जा रहा है, हमारा मन मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि ये सारा जो भी कोर्ट हमने दिए अपने आप को, जो भी हम फील कर रहे हैं, पावर्स आ रहे हैं, ये हम अपने मन पे काम कर रहे हैं। और मन पे जैसे ही काम किया, पहले क्या कर रहे थे, मन को इग्नोर कर रहे थे। जैसे मान लो मैंने एक भजन गाया, ठीक है, अब भजन किसने गाया, मेरे मुख ने गाया। भजन गाते गाते मैंने ताली बजाई, ताली किसने बजाई, मेरे हाथ ने बजाई। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एक एक्यूप्रेशर की, सारे मतलब बॉडी के पॉइंट हैं इसके अंदर, सभी ऑर्गन्स के, उसका आयतन, लेकिन मन का कोई कनेक्शन नहीं। हाँ, टेम्परेरी हम जुड़ते हैं इतना है, बट मन का इससे कोई कनेक्शन नहीं। कमर आपको दर्द है और आप, मैं आपको आपकी नेक की अगर कोई एक्सरसाइज लगा हो और मैं फिर पूछूं कि कमर में आराम आया, नहीं आएगा ना, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम थी उसका तो मैंने कोई स्ट्रेचिंग कोई एक्सरसाइज आपको बताई नहीं है, तो उससे अलग ट्रैक पे हम चल रहे हैं। तो लगाना तो था भगवान में मन, गीता में भी तो यही कहा है ना, मन बना भव, तो हमने मन नहीं लगाया, हमने तन लगाया, तो टेम्परेरी एक इन्वायरमेंट का प्रभाव तो आएगा, लेकिन हम कहें कि हमारा मन मजबूत बन जाए, उसमें मन मजबूत। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे बाकी फिजिकल ऑर्गन कोई काम नहीं कर रहे होते। अभी भी आप देखो आपका क्या काम कर रहा है, आप तो बैठे हैं ना अपने आप, कोई काम तो नहीं कर रहा है। मुख में भी हम नहीं कहते हैं कि कोई मंत्र जब हो कुछ करो, लेकिन मन से क्या कहते हैं, जो आप सुन रहे हैं वो अपने मन में रिवाइज करते हुए अपने मन में एक तस्वीर बना, तो उससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। अब मेरा मनोबल बढ़ गया, अब जब मन का मनोबल बढ़ गया, परिस्थितियों का सामना किसने करना है, मन नहीं करना है, तो आप बताओ कि परिस्थितियां बदले ना बदले, व्यक्ति बदले ना बदले, लेकिन उसका इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आएगा। बरसात हो रही है, अब वो बरसात को ओलाना नहीं दे सकते,
हम उसको नहीं कह सकते तू रुक तो मैं ये करूंगा, हम छाता ले सकते हैं, हम रेनकोट पहन सकते हैं, ये मेरे हाथ में है और ये हमने किया है आज साइज में कर रहे हैं हम, मेरे सिर को चोट ना लगे हेलमेट है हमारे पास, इवन आजकल ऐसे वाटर प्रूफ एयर प्रूफ बहुत सारी सीट्स आ चुकी हैं, फायर प्रूफ भी आ चुकी हैं, कोई गोली इंसान को ना लगे ऐसी जैकेट्स भी आ चुकी हैं, लेकिन किसी की बात मेरे मन को ना चुभे, कोई गोली नहीं ऐसी, कोई गोली नहीं ऐसी है ना, लेकिन हम ले नहीं रहे हैं, गोली है लेकिन हम ले नहीं रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई मुझे गलत बोल रहा है, मान लो इस सभा में भी आके मुझे कोई गलत बोलता है, वो मेरी इंसल्ट कर रहा है या अपनी, किसकी इंसल्ट कर रहा है? इस सभा में आके किसी ने मुझे बोल सकते हैं बड़ी बहची बड़ी फिटती है, बड़े भाषण करती है, मैं बताता हूँ ये कैसी है ये है वो है, ठीक है, अब उसने आकर के क्या किया, मेरी इंसल्ट की या अपनी, अपनी, लेकिन कब, जब मैं उसकी बात को इग्नोर करती हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ तो इंसल्ट होती है उसकी, लेकिन उसकी ये बात सुन करके मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, उसने दो बातें की और मैं चार सुनाती हूँ, आप क्या करते बहन जी ने क्या तड़ातड़ जवाब दिए, इतने डायलॉग मारे मजा ही आ गया, नहीं कहेंगे ये भी बस भाषण ही कर रहे थे, लेकिन वो तो ये उसके जैसे ही गए थे जब उसने बोला था, लेकिन अगर मैं कोई भी उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं देती अपने में मस्त रहती हूँ, बातें होती है कोई ज्ञान योग की शक्ति, भरी सभा में आके उसने ऐसा बोल दिया, बहन जी ने जवाब देना तो दूर की बात, उनका चेहरा ही चेंज नहीं, पढ़ाई किसमें, बोल रहे भैया ना बोल रहे, ना बोल रहे, वो इंसल्ट किसकी कर रहा है, वो शरीर की कर सकता है, मेरी नहीं कर सकता, मेरी माना आत्मा की नहीं कर सकता, अगर मुझे ये पक्का है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, वो मुझे कितना प्यार करता है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, अगर मैं इस नशे में हूँ तो वो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी सीट पे हूँ, सीट माना मैं अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट पे हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी सीट पे नहीं हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं हूँ, तो कोई भी मेरी इंसल्ट कर देगा, तो क्या करना है आज से, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को देंगे ना, तो अभी तक तो हम अपने आप को भी उस नजर से नहीं देख रहे, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ना मेरे को घर के पूछते हैं, ना बच्चे सहयोग देते हैं, पहले स्कूल में दो ऐसे हुआ, ऑफिस में जाओ दो ऐसे, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जहां जाओ मेरे को ऐसे ही लोग मिलते, माना और नेगेटिव लोगों को ये बोल बोल के मैं अपनी ओर खींच रही हूँ, तो मेरी किस्मत कैसी है, बहुत अच्छी है, और आज से अपने माइंड में एक चीज फिक्स कर दे कि आज के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आप देखना इसका कमाल देखो, आज के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आपको पता है कि जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो थॉट वो वाइब्रेशन इस पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाता है, प्रकृति उनको रिसीव करती है, और प्रकृति का एक नेचर है, क्या नेचर है, नेचर की नेचर है, क्या नेचर है कि हम जो देते हैं, नहीं नहीं वो लेते नहीं है, वो लेते तो है कई गुना लेते हैं, एक किसान जाकर के एक बीज डालता, उस बीज पे कितने फल आएंगे काउंटलेस, नहीं डाला थोड़ा सा बीज तो वो एक बाइक पे स्कूटी पे लेके चला जाएगा छोटा सा फैला, लेकिन जब उसकी फसल आएगी लाइक गेहूं धान तो वो अपनी बाइक पे लेके आ सकता है थैले पे, उसके लिए तो फिर बड़े बड़े व्हीकल्स का इंतजाम करना पड़ेगा, तो ये नेचर है इस प्रकृति की, हम इसको जो देंगे ये कई गुना हमें देंगे,
अब सारा दिन मैं प्रकृति में डाल गई, मेरी तो किस्मत खराब, मेरे को तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे को तो कोई कोऑपरेट करता ही नहीं है। तो क्या डाला, कोऑपरेट करता नहीं है, पहले दो लोग नहीं करते, अब 20 डाल दिया, मुझे तो कोई कोऑपरेट करता नहीं है। धीरे धीरे ऑफिस वालों ने भी करना बंद कर दिया, भी करना बंद कर दिया, और बातें आ गई। फिर हम कहते हैं मेरी तो ये नहीं पता कि सोच सोच के मैं अपनी किस्मत को खराब, लेकिन अब हमने सोचना किया कि मेरे जीवन में आज के बाद सब कुछ अच्छा होगा, सब मुझे सहयोग देते हैं, सब मेरे साथ अच्छा करते हैं, क्या ही साल में अच्छे खड़ा। पहले दो लोग मेरी फेवर में थे, मेरे साथ अच्छा करते थे, अब धीरे धीरे बोलना शुरू किया कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, तो धीरे धीरे जो गलत थे वो भी मेरे साथ अच्छा होना शुरू हो जाए। बट हम ये करते कितनी दृढ़ता से है इस पे डिपेंड करता है फिर उस चीज के असर। इसलिए आज से नेगेटिव कमांड अपने आप को देनी हम बंद करें। आप देखना एक सोच से कितना बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर आता है। सब कुछ छोड़ो, अगर हम भूल जाए अपने जीवन में ये गलत है वो है ये सब कुछ छोड़ो, लेकिन एक चीज को हमेशा याद रख सकते हैं कि कोई और मेरी फेवर में हो जाए ना हो, कोई और मुझे साथ दे या ना दे, कोई और मुझे देखे या ना देखे, भगवान मुझे देख रहा है, वो मुझे साथ दे रहा है, वो मेरी फेवर में है। अब जिसकी फेवर में भगवान है उसके साथ गलत हो सकता है। सीन सामने लेकर के आओ महाभारत का, पांडवों का, कौन था उनके फेवर में, है ना, स्वयं, है ना। तो क्या हुआ, अक्षौहिणी सेना को उन्होंने हरा दिया। तो मेरे साथ रोज सुबह उठते स्वयं भगवान मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, इसलिए आज से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैजिक ऑफ वर्ड्स अपने ऊपर करके देखे ना पहले, तो इन शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और सुबह सुबह तो और भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि प्रकृति सतोगुणी होती है, हम खुद फ्रेश होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, वो इस चीज को रिसीव कर लेता है, और जो वो रिसीव करेगा कि आज से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, तो आप देखेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। तो थोड़ी सी अपने विचारों की दिशा डायरेक्शन को हमने चेंज करना है, तो जब दिशा बदलेगी तो ऑटोमेटिक लोग ना दिखाते हैं ना लोगों को बात, आपकी दिशाएं ऐसी हैं, तो हम दूसरी दिशा में कि मैं खुद किस दिशा में जा रही हूँ, मेरे माइंड की दिशा क्या है, तो दिशा ही तो मेरी दशा बनाती है। तो अपनी दशा को आज से हमने दाइने नहीं बनाना है, गलत गुण बोल के अच्छा बनाना है, लेकिन उसके लिए पहले अच्छे अच्छे गुण अपने पास रखो, पॉजिटिव थिंकिंग, और सबसे बड़ी चीज भगवान मेरे साथ है। और उससे भी बड़ी चीज बताओ, जब 7 डे का कोर्स किया, जाना परमात्मा कौन है, है ना, वो मेरा पिता है, जाना ना, उससे शक्तियां मिलती है, सब संबंध हम उससे जोड़ सकते हैं, है ना, भगवान मेरा है, उसकी गहराई में आप जाओ बड़ा सुख मिलेगा, भगवान मेरा है। होता एक होता बोलना, एक होता स्वीकार करके और फील करके बोलना कि वो मेरा है। अब जब वो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, कोई दुनिया में भी कमजोर व्यक्ति हो उसको डर लगता हो, लेकिन उसको एक पहलवान का साथ मिल जाए उसको डर लगेगा, अरे मैं कमजोर हूं क्या, ये तो चलो मैं जैसी भी हूं, भगवान मेरा है, मैं उसकी संतान हूं, नहीं। तो आज से अपने इस जीवन की नैया की पतवार उसको दे देनी है, डोर उसको दे देनी है, उसको साथी बना लेना है, ना? चाहे मेरी नाम हिल जाए, लेकिन मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा खवैया कौन है, वो मुझे डूबने नहीं देगा।
बहुत अच्छे से 2 दिन वोट अपने अंदर भरे। आज से मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, भगवान मेरे साथ है, वो मेरा है, वो सुख मिलेगा आपको। जब वो मेरा है तो बाकी तो फिर सब कुछ उसके आगे फीका फीका लगेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद क्लास को समाप्त सभी से एक्टिव अलर्ट होकर के सीधे होकर के बैठ जाएंगे। अपना पूरा ध्यान स्वयं पर एकाग्र करें। पूछे अपने आप से, कौन हूं मैं? भीतर से आने वाली आवाज को सुने, मैं आत्मा। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछे, कौन है मेरा? भीतर से आने वाली आवाज को सुन, इस त्रिलोकी का स्वामी, जगत नियंता, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, जिसकी एक झलक की प्यास है, वो परमात्मा, जिसे मैं प्यार से शिव बाबा कहती हूँ, वो मेरा है, वो मेरा पिता है, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, परमात्मा जो सर्वशक्तियों के, सर्व गुणों के भंडारी दाता, मैं उसकी संतान और जो पिता का सो बच्ची, तो परमात्मा संतान होने के नाते मैं आत्मा हूं, सर्व गुणों से और शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, स्वीकार कराए अपने मन को, मैं साधारण नहीं, मैं निर्मल नहीं, मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, परमात्मा की संतान होने के नाते उसके सर्व गुणों और शक्तियों पर मेरा अधिकार है। जैसा बाप वैसा बच्चा। अब चेक करें, क्या मैं आत्मा, गुणों में, शक्तियों में उसके समान बनी है? देखिए, मेरे पिता परमात्मा प्रेम के सागर, विश्व की हर आत्मा के प्रति, चाहे वो कैसी भी है, उनका दिल का स्नेह है।
क्या मेरा स्नेह विषम तो छोड़ो लेकिन जो मेरे परिवार की आत्माएं हैं उन सबके साथ है क्या मेरे प्रेम में समानता का व्यवहार है चेक और जिनके साथ प्रेम का अभाव है उनकी विशेषताओं को देखिए ये आत्मा भी परमात्मा की सत्ता है हम दोनों का पिता एक है कुछ समय पहले हम दोनों आत्माएं ही सचखंड में थी उस परमात्मा की छत्र छाया में थे और इस सृष्टि पर पार बजा कर वापस हम वहीं पहुंचे जब हमारा घर एक है जब हमारा पिता एक है तो ऐ मेरे मन क्यों किसी के लिए मन उदास ईर्ष्या बदले की भाव मेरा पिता मुझे ये शिक्षा नहीं देता आज भजन अंदाज कर दे उस सब तमियों को जो भी उस आत्मा की दिखाई दे रही है और एक प्रेम का भाव अपने अंदर मैं आत्मा परमात्मा की सत्ता मेरी दृष्टि में सब समान है जो कर्तव्य मेरे पिता के वो कर्तव्य मेरे है दुखियों को सुखी बनाना ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाना सबको प्रेम की दृष्टि से देखना सबको सुखी बनाना सबको स्वीकार करना फिर से कह दे अपने आप को कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान सर्वशक्तिमान की संतान मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान क्षण के लिए इस शरीर से डिटैच होकर के बैठ जाएंगे कि हम आत्मा हैं परमात्मा की संतान हैं इस संगीत के माध्यम से अपने मन को स्वीकार करें